माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस वीडियो में हम सीखेंगे वीलुकअप फंक्शन के साथ इफ फंक्शन का उपयोग करना। ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें कस्टमर कोड, कस्टमर नेम और सेल्स वैल्यूज दी गई हैं। इस डेटा में से जिस भी कस्टमर का सेल्स वैल्यू हम यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं उसका कस्टमर कोड हम यहाँ पर टाइप कर देंगे तो सेल्स वैल्यू यहाँ पर सर्च हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देंगे कस्टमर कोड 105, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहाँ पर सर्च हो गया है जिसका कस्टमर कोड है 105। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि इसमें नई बात क्या है, क्योंकि इस काम को तो हम केवल VLOOKUP का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर नई बात यह है कि यहाँ कस्टमर कोड की जगह पर यदि आप कस्टमर नेम भी टाइप करेंगे तो उस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहाँ पर सर्च हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पंकज, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहाँ पर सर्च हो गया है। यानी आप यहाँ पर नेम टाइप करें या कस्टमर कोड, दोनों से सेल्स वैल्यू यहाँ पर सर्च हो जाएगा। इस तरह की रिक्वायरमेंट बहुत जगह पर होती है। जब कस्टमर को मोबाइल नंबर याद ना हो तो नेम से भी डेटा सर्च हो जाए। इसके लिए हमने यहाँ पर VLOOKUP के साथ इफ फंक्शन का उपयोग किया है। कैसे किया है आइए देखते हैं। यहाँ पर हम किसी एक कस्टमर का कोड या नेम टाइप कर लेंगे, तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 109। अब हम यहाँ पर पहले इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे और इफ टाइप करेंगे। ये देखिए इफ फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर इफ फंक्शन का फर्स्ट आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। यहाँ पर हमारा लॉजिकल टेस्ट ये है कि ये जो F3 सेल है यहाँ पर, इस सेल की जो वैल्यू है क्या ये नंबर है, ये हम यहाँ पर टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस नंबर फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो इस नंबर टाइप करेंगे। ये देखिए ये फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पर ये F3 सेल की वैल्यू को टेस्ट करना चाहते हैं कि क्या इस सेल की वैल्यू नंबर है, तो इस सेल को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ ट्रू, यानी यदि ये कंडीशन मैच हो जाती है, यानी ये जो F3 सेल की वैल्यू है अगर ये नंबर है तो यहाँ पर आप क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर चाहते हैं VLOOKUP फंक्शन अप्लाई हो जाए, तो यहाँ पर हम VLOOKUP टाइप करेंगे। VLOOKUP टाइप करेंगे, ये देखिए VLOOKUP फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर VLOOKUP फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लुकअप वैल्यू, यानी आप क्या सर्च करना चाहते हैं। हम क्योंकि इस कस्टमर कोड वाले पर्सन का सेल्स वैल्यू सर्च कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे, F3 सेल को, तो इस सेल का एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। कॉमा लगाएंगे। VLOOKUP फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है टेबल अरे, यानी एरिया ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आपको इंफॉर्मेशन सर्च करना है। हम क्योंकि यहां पर सर्च कर रहे हैं सेल्स वैल्यू, इसके लिए हम यहां पर ये कस्टमर कोड से लेकर सेल्स वैल्यू तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमने यहां पर जिसे लुकअप वैल्यू बनाया है वो कस्टमर कोड है, तो कस्टमर कोड से लेकर हमने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर दिया है। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो इंफॉर्मेशन आप सर्च कर रहे हैं वो कौन से कॉलम में है, तो क्योंकि हमने लुकअप वैल्यू बनाया है कस्टमर कोड को 1, 2, 3, तो सेल्स वैल्यू है यहाँ पर थर्ड कॉलम में, तो हम यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे। कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इफ फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है वैल्यू इफ फॉल्स। हमने यहाँ पर अभी तक जो कंडीशन लगाई है वो ये है, यदि ये F3 सेल की वैल्यू नंबर है तो यहाँ पर ये VLOOKUP अप्लाई हो जाए जिसे अभी हमने लगाया है, जिसमें लुकअप वैल्यू हमने कस्टमर कोड को बनाया है। अब यदि ऐसा नहीं होता है, यानी ये कंडीशन मैच नहीं होती है, यानी ये टेस्ट गलत होता है कि इस सेल की वैल्यू नंबर नहीं है, तब क्या होना चाहिए, तब हम यहाँ पर एक और VLOOKUP अप्लाई करेंगे। तो VLOOKUP टाइप करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, इसके लिए भी हम यहाँ पर ये F3 सेल को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। यहां पर देखिए क्योंकि ये जो VLOOKUP हम लगा रहे हैं
ये लगा रहे हैं कि यदि सेल में F3 सेल में नंबर नहीं लिखा है, नंबर नहीं लिखा है तो हम यहां पर नेम लिखेंगे और नेम है टेक्स्ट। तो अब हम यहां पर जो टेबल अरे बनाएंगे, ये टेबल अरे वो नेम से लेकर बनाएंगे। तो हम यहां पर नेम से लेकर इस डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आर्गुमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी जो इंफॉर्मेशन हम सर्च कर रहे हैं वो लुकअप वैल्यू से लेकर राइट साइड में कौन से कॉलम में है। यहां पर लुकअप वैल्यू हमने बनाया कस्टमर नेम को, तो कस्टमर नेम वाला फर्स्ट कॉलम हो गया और सेल्स वैल्यू वाला सेकेंड कॉलम हो गया। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम यहां पर 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इफ फंक्शन के लिए भी यहां पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां पर हमने जो कंडीशन अप्लाई की है उसको एक बार देख लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि F3 सेल में जो वैल्यू है वो नंबर है तो वहां पर ये जो फर्स्ट वीलुकअप हमने अप्लाई किया है वो अप्लाई हो जाए, और यदि ये कंडीशन मैच नहीं होती है यानी F3 सेल में जो वैल्यू है वो नंबर नहीं है तो यहां पर ये दूसरा वीलुकअप अप्लाई हो जाए जिसमें हमने लुकअप वैल्यू बनाया है सेम सेल को, जिसमें लुकअप वैल्यू कस्टमर नेम होगा और टेबल अरे उसमें क्या होगा कस्टमर नेम से लेकर सेल्स वैल्यू तक। अब यहां पर एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहां पर सर्च हो गया है। अब यहां पर आप जो भी कस्टमर कोड या कस्टमर नेम टाइप करेंगे उस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहां पर सर्च हो जाएगा। जैसे हम यहां पर टाइप कर देते हैं 104, एंटर करेंगे और अब हम यहां पर कोई नेम टाइप करेंगे, जैसे नेम टाइप करेंगे हम यहां पर अरविंद, एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इस कस्टमर का सेल्स वैल्यू यहां पर सर्च हो गया है। अगर आप यहां पर ये चाहते हैं कि जो सेल्स वैल्यू आप सर्च करें वो यहां पर हाईलाइट हो जाए तो इसके लिए इन सेल्स को हम यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे और होम टैब के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे या न्यू रूल पर क्लिक करेंगे और यहां पर देखिए ये ऑप्शन है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे और यहां पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा नीचे करेंगे और यहां पर हम ये एक्टिव सेल को सेलेक्ट कर देंगे, D3 सेल को, और क्योंकि हमें यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है इन सभी सेल्स में तो यहां पर हम कॉलम को फिक्स रहने देंगे, रो को हम यहां पर फिक्स नहीं करेंगे तो इसके सामने से डॉलर साइन को रिमूव कर लेंगे। अब यहां पर इक्वल प्रेस करेंगे और जिसमें हमने सेल्स वैल्यू को सर्च किया है उसको सिलेक्ट करेंगे, इस सेल का एड्रेस यहां पर आ जाएगा। अब यहां फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, यहां पर हम फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे जो भी फॉर्मेटिंग हम रखना चाहते हैं। फिल पर क्लिक करेंगे, यहां पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं, यहां से ओके करेंगे, यहां से भी ओके करेंगे। अब जो भी सेल्स वैल्यू आप यहां पर सर्च करेंगे वो इस डेटा में हाईलाइट हो जाएगी। जैसे हम यहां पर टाइप कर देते हैं हेमंत, एंटर करेंगे, ये आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप VLOOKUP फंक्शन के साथ इफ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।